this time we have job opportunities for only Pakistani candidates, so I'm going to record this video in Urdu language so everyone can understand properly. तो सिंध बैंक लिमिटेड ने जो है बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं और इस जॉब को हासिल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, अदरवाइज़ फ्रेश कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंध बैंक जो है पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक में से आती है और सिंध बैंक पाकिस्तान की टॉप बैंक के अंदर भी शामिल है। सिंध बैंक 2011 में लॉन्च की गई थी और उसके बाद 7 साल के अंदर ही इसने पाकिस्तान के तकरीबन 170 शहरों में 330 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दी थी। अच्छा, तो इस बैंक में जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो इस पोस्ट के लिए हैं, यानी कि ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ऑडिट ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर और भी बहुत सारी पोस्टें इसमें शामिल हैं। तो सिंध बैंक में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है 31 मई 2022 है। अच्छा, इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका CNIC डोमिसाइल, CV और प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो होनी लाजमी है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, सिंध बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पे क्लिक करें, अदरवाइज़ अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं और कौन कौन से शहरों के लिए अवेलेबल हैं। वो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CCTV मॉनिटरिंग ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये कई सारी पोस्टें लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि कौन से शहर के लिए अवेलेबल है। ये सिर्फ कराची और क्वेटा के लिए अवेलेबल है और ये इतनी सारी पोस्टें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसके अलावा लाहौर के लिए भी हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कम से कम ग्रेजुएट या फिर MBA या MCOM और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। और इसके अलावा नीचे देखें तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वाली पोस्ट अवेलेबल है, कराची, लाहौर, लूला मूसा, सिपरो, छाछरो, मीरपुर खास वगैरह के अंदर भी। और उसके अलावा नीचे देखें तो कैश ऑफिसर, और कैश ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए और एज ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल, और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जॉब के लिए तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। यहाँ पर उसके अलावा फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये भी जॉब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए अवेलेबल हैं। ओके, तो आप ये सारी जॉब्स देख सकते हैं और आपको जो सही लगे आप उसमें अप्लाई करें। मैं इस वक्त अप्लाई करना चाहता हूँ कैश ऑफिसर के लिए, तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको पहले पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कौन सी पोजीशन पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें कैश ऑफिसर पे, ठीक है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, पसीना IC नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करें, सिटी ऑफ रेजिडेंस टंडो आदम, डोमिसाइल सिंध, आपका मोबाइल नंबर, अच्छा आपका जो ये रेजिडेंस नंबर आपको मिलेगा आपके CNIC पर, यानी कि CNIC में जो आपके 13 डिजिट होते हैं तो उन 13 डिजिट में से आप पहला डिजिट और लास्ट वाला डिजिट निकाल दो, क्योंकि वो खानदान नंबर और कंट्री कोड के हिसाब से आते हैं, तो आप उन दोनों को निकाल दो। उसके अलावा जो बीच वाले 11 डिजिट बचते हैं आपको वो डिजिट यहाँ पे रेजिडेंस नंबर में लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको आपकी CV चूज करनी पड़ेगी, CV मैंने अपलोड कर दी है और एड्रेस, रिलीजन सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि जो आपके हाई स्कूल थी उसके बारे में, तो हाई स्कूल मैट्रिक, अच्छा बोर्ड था पास। इसके बाद आपके हायर सेकेंडरी यानी कि कॉलेज इंटरमीडिएट लेवल, ये भी मेरा सेम ही था, मीरपुर पास, मैंने BS किया हुआ है। और उसके अलावा कहाँ से किया हुआ है, तो मैंने किया हुआ है सिंध।
के मास्टर्स अगर आपने किया हुआ तो सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसे छोड़ दें खाली ही। और अदर क्वालिफिकेशन भी अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लिख दें, अदरवाइज जीरो छोड़ दें इसे। और करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था वैसे तो फ्रेश, लेकिन ये आई थिंक कोई फॉर्म का भी इनका इशू है, तो आप यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं करंट डेजिग्नेशन। ओके, तो अब सबमिट करते हैं इसे। हमने जो है सिंधेक की जॉब के लिए अप्लाई कर लिया है, अब ओके कर दें इसे। तो अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी और उसमें रेफरेंस नंबर लिखा होगा। इस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है और इंटरव्यू के वक्त यहाँ कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।